जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। काव्या को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? स्वीटी का वीडियो कॉल था, काव्या को देखती तो गुस्सा हो जाती, इसलिए समर ने इसे कैमरे पर से हटा दिया। काव्या तुम्हें पता है ना कि पाखी को तुमसे प्रॉब्लम है, फिर भी तुम कैमरे के सामने क्यों आई? किंजल मुझे पता नहीं था कि तुम लोग पाखी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो। ओह प्लीज डोंट टेल मी कि तुमने हम सबको पाखी से बात करते हुए ना देखा ना सुना। किंजल तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम जानबूझ के कैमरे के सामने आई। किंजल बिहेव योरसेल्फ। किंजल तू ऐसा क्यों कह रही है? आई एम सॉरी मम्मी, मैं ट्राई करती हूँ पर मुझे काव्या की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। बस अब बात को और बढ़ाते नहीं है और आप भी रहने दीजिए। हाँ हाँ बस मुझे ही समझाओ, इस घर में बाकी कोई कुछ भी बोले कुछ भी कहे किसी को कुछ मत बोलना। ले देके इस घर में सिर्फ मैं ही रह गया हूँ समझाने के लिए। अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुन सकते आप, और न जाने मेरी गर्लफ्रेंड को क्या क्या बोल देते हैं। समर अपने कमरे में जा। मम्मी पर अपने कमरे में जा। सॉरी काव्या, तुम्हें हार्म करने का या फिर तुम्हारी इंसल्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। I was just concerned for sweetie. अपने बेटे को समझा के रखो वरना किसी दिन मेरा हाथ उठ जाएगा इसके ऊपर। बार बार हाथ उठाएंगे तो आपका असर और उसका डर दोनों मिट जाएंगे। समर अभी कोई बच्चा नहीं है, जो आपने एक दिन थप्पड़ लगा दिया तो दो दिन तक खाना नहीं खा के तीसरे दिन आपके पास वापस चला आएगा। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए अनुपमा, बाप के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है और उसको डांटने का और मारने का हक हमेशा रहता है उसके पास। अरे वाह, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। बस अब जब भी तू गलती करेगा तब ये बात याद रखना, भूलना नहीं। बेटा बाप के सामने तब तक चुप रहता है जब तक वो मन में जानता है कि वो गलत है और बाप सही। जैसे तू अब मेरे सामने चुप खड़ा है। बेटे से इज्जत चाहिए तो पहले सही बन। गलत होके हाथ उठाएगा तो जवान बेटा लिहाज रखने के लिए एक बार खाएगा, दो बार खाएगा, तीसरी बार वो हाथ पकड़ेगा। स्वीटी आपको बार बार फोन कर रही थी, आपने उठाया नहीं। 3 बजे उसे फोन कर लीजिएगा। सब लोग मुझे ही आंखें दिखाने लगे, सुनना किसी को नहीं लेकिन सुनाना सबको है। हाँ हाँ अब तुम भी मुझे ऑर्डर दो, सर पे चढ़ के नाचो मेरे। तुम यहां क्यों आ गई? जाके गेस्ट रूम में बैठो ना यार, मेरी परेशानियां वैसे ही बहुत है, और मत बढ़ाओ प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। भी मैं जा रही हूँ, सिर्फ एक बात करने आई थी। फाइन, तुम भी 2-4 बातें सुनाओ, कम ऑन। भी प्लीज, आई एम सीरियस। अरे तो मैं भी अब मजाक कर करता हूँ, मैं तो मजाक बन के रह गया हूँ। एक मिनट, ये लो, ये लो, फोन साइलेंट कर दे, फरमाओ। भी पहली बात, तुम्हें समर और नंदिनी के रिलेशनशिप को लेकर इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों बच्चे हैं भी, अगर प्यार हो गया तो हो गया ना, जाने दो। काव्या अपने बेटे को मैं संभाल लूंगा, तुम्हें कोई और बात करनी है तो करो। वी तुम चिढ़ क्यों रहे हो? अपनी फैमिली का गुस्सा तुम मुझ पर उतारोगे? गलती सारी मेरी है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ना मेरे साथ वो हादसा हुआ होता, ना मुझे यहाँ आना पड़ता, ना ये सब झेलना पड़ता मुझे। And I'm not blaming you, V. I'm
myself. मैं तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई कि ना घर की रही और ना घाट की. उस घर में वापस नहीं जा सकती हूँ. यहाँ मेरा रहना मुश्किल हो रहा है. और अगर मैं नंदिनी के घर गई तो वहां तुम नहीं आओगे मुझसे मिलने के लिए. तुम भी तो मैं बताओ ना, ऐसे में मैं क्या करूं? Still, यहां रहकर इंसल्टेड फील करने से और तुम्हारे ये मूड स्विंग्स बर्दाश्त करने से तो बेहतर है कि मैं नंदिनी के घर ही चली जाऊं. भले ही तुम वहां मुझसे मिलने नहीं आओगे, लेकिन कम से कम काव्या नाम की प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी से थोड़ी कम तो हो जाएगी ना. I think it's just better than I leave. Bye, babe. Bye. Kavya, I'm so sorry. Please, ऐसी बात मत करो. लेकिन अगर तुम अनुपमा की साइड लोगी तो मुझे गुस्सा आएगा ना. भी मैं अनुपमा की साइड नहीं ले रही हूँ. मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ. मुझे समर और नंदिनी का रिलेशनशिप में होना बुरा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे झूठ बोलूं भी? और अगर तुम्हें मेरा सच बोलना इतना बड़ा प्रॉब्लम लगता है ना, तो ठीक है, फिर इस मैटर में मैं चुप रहूंगी आज से. आखिर रह तो तुम्हारे घर में ही रही हूं ना, इसीलिए तुम्हारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा. काव्या प्लीज रो मत. ये रोना धोना बंद करो. मैं तंग आ चुका हूं इस रोने धोने से. फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मैं. प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म होती. जॉब नहीं है मेरे पास. और कभी पाखी की प्रॉब्लम, कभी घर की प्रॉब्लम, कभी तुम्हारी प्रॉब्लम, कभी कुछ कभी कुछ. ये फ्रस्ट्रेशन मेरा गुस्सा बन के निकलता है. मुझे बहुत डर लगता है जब तुम ऐसे गुस्सा करते हो. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो. You mad? Are you mad? ऐसा कभी नहीं होगा. वनराज तेरा मम्मी मम्मी सबके सामने नहीं कहा, पर हमें लग रहा है कि काव्या इज डेफिनेटली अप टू समथिंग. आई स्टिल फील कि वो जानबूझ के पाखी के सामने आना चाह रही थी. मम्मी काव्या के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद हम उसकी हेल्प करने की कोशिश कर तो रहे, पर वो सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है. एग्जैक्टली. वरना उसने इतनी इजीली समर और नंदिनी का रिश्ता कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मम्मी ये सडन चेंज, ये अच्छाई, ये उसकी कोई चाल है. मम्मी आप है ही इतनी अच्छी कि दूसरों की चालाकी नहीं देख पाती, पर हर कोई इतनी अच्छाई डिजर्व नहीं करता मम्मी. स्पेशली काव्या. मम्मी आप मानो ना मानो, लेकिन हम आंखें बंद करके काव्या पे भरोसा नहीं करेंगे. और आप देखना, आज नहीं तो कल काव्या का असली चेहरा सामने आ ही जाएगा. मम्मी आप प्लीज इस बारे में सोचिए. हाँ मम्मी. भगवान करे इस बार ऐसा ना हो और समर और किंजल का शक गलत साबित हो. ओ मैदे की कटोरी, मेरे घर में ये चिपकम चिक्की नहीं चलेगी. हाँ. और तू जिस हरकत के लिए तू समर और नंदिनी को डांट रहा था वही तू कर रहा है? अरे समर ने तो हमारे पीठ पीछे किया, तू तो हमारे सामने. शर्म और हया इसके घर में छोड़ के आया है? अगर ऐसा रहा तो तू तो बस थोड़े ही दिन में हमारे सामने इसको गोद में लेके घूमेगा. जवान बेटे को रोक रहा है और खुद गोली खिला रहा है इस उम्र में, वो भी दरवाजा खोल के खुल्लम खुल्ला. अरे जरा तो सोच, तेरे बापू जी मामा जी बच्चों ने देख लिया होता तो. तुझे मैंने वो पूरा कमरा क्या कबड्डी खेलने के लिए दिया है? वहां जाके बैठ. बार बार मेरे बहू और बेटे के कमरे में क्यों घुस रही है? अगर बहुत ही गले मिलने का शौक है तो मुझे बुला लेना, मेरे बेटे से दूर रहना. पर और दोबारा अगर मैंने देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. क्या हुआ बा? क्या हुआ? हमारे घर में तो वही होता है जो नहीं होना चाहिए. जो हरकत तेरा बेटा कर रहा था वो आज मेरा बेटा कर रहा है. चिपकने का तो शौक लगा है और तेरे महान बनने के चक्कर में तू तेरी सौतन को घर ले आई. अब समझा इसे, यहाँ रहना है तो तमीज में रहना होगा, वरना रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले.
माँ की बातों को दिल पे मत लीजिए, वो बापूजी और बच्चों का सोचकर ऐसा बोल रही होंगी। जानता हूँ मैं, मुझे मत समझाओ, मेरी भी माँ है वो, तुमसे पहले और तुमसे ज्यादा जानता हूँ उन्हें। काव्या को लेकर तुम लोग के मन में जो डर है उसे मैं समझ रही हूँ, पर जो इंसान जिंदगी में एक बार ठोकर खा चुका वो संभल के चलना सीख ही जाता है। मैं भी सीख गई। और एक बात, तेरे पापा के गुस्से पे गुस्सा मत करना। वो गलत बात करते तो गुस्सा तो आएगा ही ना मम्मी। वो गलत बात करे तो तू सही बात करना, गुस्सा करने से क्या होगा? What? हाँ काव्या, हम लोग यहाँ रहेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे और रिश्तों में और खटास पैदा होगी, विच आई डोंट वांट। हमें जब तक घर नहीं मिलता हम लोग होटल में रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। ये अपना घर होते हुए तुम होटल में रहोगे? ये घर तुम्हारा है वी, और तुम ही दर दर भटकोगे। इट्स नॉट फेयर वी, वी विल मेक श्योर कि हमारे वजह से तुम्हारी फैमिली को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम जब तक यहाँ रह रहे हैं तब तक पीसफुली रहते हैं वी, पर घर छोड़ के चले जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। घर छूट गया है, नौकरी नहीं है, तू उनसे नाराज है, स्वीटी यहाँ है नहीं, ऊपर से काव्या के साथ ये सब, चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए, और जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक काव्या के साथ इस घर में रहेंगे। और जब तक वो इस घर में है तब तक उनके साथ अपना व्यवहार ठीक रखो ना। उन्होंने इस घर के लिए बहुत किया है, सबसे ज़्यादा हक उनका बनता है इस घर पे। उन्होंने जो गलत किया उसे गलत कहते हो तो उन्होंने जो सही किया उसे भी तो पहचानो। मैंने तो बस घर संभाला है, घर चलाया उन्होंने। वी थिंक प्रैक्टिकली, तुम्हारे पास अभी जॉब भी नहीं है और जॉब कब मिलेगी कुछ पता नहीं। वी तुम्हारी गाड़ी के इंस्टॉलमेंट्स भी बचे हैं, तो ऐसे में तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट, मंथली रेंट, ब्रोकरेज, ये सारी चीजें वी हम कैसे अफोर्ड करेंगे ये सब? बाकी लोग भी तो पीसफुली यहाँ रह रहे हैं ना वी, तो फिर तुम क्यों नहीं? काव्या, जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी पीसफुली नहीं रह पाएगा, ना वो ना मैं। और तुम जॉब की टेंशन मत लो, जॉब मिल जाएगी मुझे, और वैसे भी मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं कि हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। वो पहले ही तकलीफ में, उनकी तकलीफ और मत पढ़ा। वो कोई बाहर वाले नहीं है, तेरे पिता है। जब उनकी गलती पे उनसे लड़ सकता है तो उनके बुरे वक्त में उनका साथ दे सकता है। नहीं तो मैं तुम लोगों को आंखें बंद करने को नहीं कह रही हूँ, बस कह रही हूँ कि अपने जुबान को थोड़ा काबू में रखो। मैं भी काव्या पे भरोसा नहीं कर सकती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे एक ही चश्मे से देखें। अब जब तक वो घर में है वो हमारी मेहमान है, तो उसे मेहमान वाली इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। सॉरी मम्मी, मैं कोशिश करूंगा पर आई कांट प्रॉमिस। चलो इतना भी ठीक है, अब सब भूल कर कल की पूजा की तैयारी करते हैं। ये जो सेविंग्स की तुम बात कर रहे हो उन्हें रेंट की जगह अपनी फैमिली पर खर्चा करो ना, जैसे कि तुम अब तक करते आए हो वी। एंड वैसे भी आई फील वेरी बैड हाँ, कि तुम अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ करते हो, कितना सोचते हो उनके लिए, मगर उन्हें तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारी मेहनत कुछ याद नहीं रहता वी। याद रहती है तो सिर्फ वही एक बात, जब तुमने जिंदगी में पहली बार अपनी खुशी के लिए कुछ सोचा। Why can't they just acknowledge the fact कि आज वो जो कुछ भी हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। तुमने अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी, इसीलिए आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं भी। इतना सोचते हो उनके बारे में, सबके लिए इतना करते हो, तो फिर वो तुम्हारे लिए इतना सा नहीं सोच सकते? वैसे बीवी तुम कोई फेवर नहीं मांग रहे हो उनसे, इस घर में रहने का तुम्हारा भी तो हक है ना। जब अपनों के लिए कोई कुछ करता है ना काव्या, तो उसे जताना तो दूर बताना भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने जो अपनी फैमिली के लिए किया वो मेरा फर्ज था, मेरी खुशी थी। एनीवे, मैं अपने फ्रेंड्स को फोन करता हूँ, देखता हूँ अगर किसी का घर खाली हो तो। वी नो काव्या,
मैंने डिसाइड कर लिया है, कल हम लोग पूजा के बाद बाबा बापू जी का आशीर्वाद लेके यहाँ से चले जाएंगे। भी तुम ये डिसीजन इमोशनल होकर ले रहे हो, प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। काव्या, ये टॉपिक यहीं खत्म। बी रेडी टू लीव टुमारो, ओके? नो वे, मुझे घर छोड़ के कहीं नहीं जाना, नॉट एट एनी कॉस्ट। क्या हुआ, यू ओके? तुषु, मम्मी चाहती है कि हम काव्य के साथ अच्छे से बिहेव करें, पर मुझे उसका इस घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी जो कर रही है आई अंडरस्टैंड, पर मैं उनकी जितनी महान नहीं हूँ। इसलिए कहता हूँ कि अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के मामलों में पड़ोगी तो सिर्फ परेशानी मिलेगी और कुछ नहीं। समर नंदिनी की हेल्प करने का नतीजा देख लिया ना, अब दोबारा ये गलती मत करना। मतलब हमारी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उन्हें सपोर्ट ना करें? सपोर्ट करो प्रॉब्लम में, मगर स्टुपिडिटी में नहीं। प्यार करना स्टुपिडिटी नहीं होता तोशो। समर नंदिनी के प्यार को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एंड डोंट फॉरगेट, हमारे टाइम पर समर ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया था। हमारी बात अलग थी किंजल। किंजल देखो, पापा और बात जिस रिश्ते से एग्री नहीं कर रहे ना, तुम उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करके पापा को और हर्ट मत करो। ऑसम, वाओ भाई वाओ। सॉरी भाभी, डोर खुला रह गया था तो आप लोग की बातें सुनाई दे गई। भाई, आज आपको मिस्टर शाह के हर्ट होने का ख्याल आ रहा है, और ये ख्याल तब कहाँ गया था जब आप भाभी को भगा कर लेकर गए थे और मंदिर में शादी कर ली थी। तब आपको उनकी खुशी मैटर नहीं करती थी, तब उनकी इज्जत इज्जत नहीं थी। समर, मम्मी कहती है कि बड़ा भाई बाप समान होता है, लेकिन आप तो सचमुच मिस्टर शाह की तरह बन गए। खुद करो तो प्यार, समर करे तो पाप। मिस्टर शाह ने अपने प्यार के लिए घर बार बीवी बच्चे सब छोड़ दिए, आपने अपने प्यार के लिए भागकर शादी कर ली। ये बात याद रखना कि मेरे रगों में भी यही खून दौड़ता है, इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिएगा भाई कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मुझे नहीं करना चाहिए। जो स्टेप हमें उठाना पड़ा, लेट्स मेक श्योर कि समर और नंदिनी को वो रास्ता ना चुनना पड़े। मम्मी की तरह लेट्स स्टैंड बाय देम, प्लीज। कल के लिए इस्त्री कर रही है? आपकी साड़ी पहले इस्त्री करके रख दिया। इस बार तू व्रत रखने वाली है? हमेशा रखती हूँ तो इस बार क्यों नहीं रखूंगी? हाँ, हमेशा तो वनराज के लिए रखती हूँ, इसलिए इस बार रखने वाली है कि नहीं पूछा। प्रार्थना तो उनके लिए भी करूँगी बाप। उसके लिए भी नहीं, उसके लिए ही करनी चाहिए, पर आजकल तो तू अपनी मन मर्जी का करती, सास का तो सुनती ही नहीं है। बस ऐसी कान्हा जी जैसी एक स्माइल सीख ली है। कभी तो तिल मिला, कभी तो मुझे उल्टा जवाब दे, तो मुझे भी सास बहू के रिश्ते का सुख मिले। तो सुन, वो मैदे की कटोरी को व्रत रखने को मत कहना, वो भूखा रहना उसके बस की बात ही नहीं है। बा, क्या बा? हा? उसे पूजा में आने को भी मत कहना, कह देना कि अपने कमरे में ही आराम करे। बा, वो घर में ही रह रही है और नीचे होगी पूजा, तो उसको कैसे नहीं कहेंगे आने के लिए? और आपके बेटे को कितना बुरा लगेगा सोचिए। हाँ, जैसे तुझे मेरे बेटे की बहुत चिंता है, कभी सौतन कभी सहेली का खेल खेलना बंद कर। पिछली बार भी उसे हवन में बैठाने का दौरा पड़ा था, इस बार मत फाटना। अरे जरा सोच, पूजा के वक्त ही पाकी का वीडियो कॉल आ गया तो फिर मीनू ने बता दिया तो वो किंजल की माँ नाचे नागिन गली गली ने बता दिया तो बारूद के ढेर पे बैठी है, माचिस मत जला। समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हूँ बा, आपका डर अच्छी तरह से समझ रहे, पर भगवान जी तो सबके हैं ना, तो हम कौन होते किसी को पूजा में बैठने से रोकने के लिए। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी, ठीक है, पर कल अगर वो मैदे की कटोरी ने हीरोइन गिरी की ना तो वो मेरा गुस्सा देखेगी। हाँ, और सुन, कल जन्माष्टमी की तरह ना कल भी डांस होगा, तो वो बुढ़ी की तरह बैठ मत जाना, अच्छा डांस करना। आप जो कहेंगी मैं करूंगी, बस सब करूंगी।
बस आप खुश रहिए। महादेव करे कि कल की पूजा इस घर के सुख शांति वापस लेकर आए, रिश्तों में फैली ये खटास कम कर दे, समर और वनराज को थोड़ा पास लेकर आए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।